हेलो दोस्तों, मैं अमरीक सिंह कैलिफोर्निया तो। अज असी वीडियो विच गल करांगे वसीयत बारे। वसीयत वर्ड असी सारे ने जरूर सुनिया होगा अपनी लाइफ दे विच। ते जदों असी पंजाब तो माइग्रेट होके बाहरले मुल्कां च आ गए ते वसीयत इत्थे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो समझांगे असी। ये वाली वीडियो जिहड़ी है, जिस तरह मेरी पिछली वीडियो इंश्योरेंस के आले दुआले सीगे, उसे तरीके नाल ये वीडियो भी यूनिवर्सल आ, क्योंकि इंश्योरेंस भी दा जिहड़ी कैटेगरी आ वो भी लगभग तुसीं किसी भी मुल्क दे विच हैगे, भावें इंडिया तो लैके आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, इंग्लैंड, कैनेडा, US, लगभग वह प्रोसैस स्टैंडर्ड ही है, सेम ही प्रोसैस आ। इस तरह विल भी जी ये भी लगभग भावें इंडिया बैठे हैं तो भावें US, कैनेडा या यूरोप, यदा भी प्रोसैस लगभग सेम आ। तो इनू हूँ डिटेल से समझते हैं। सब तो पहला आप गल करते लिविंग विल की होंगी है। लिविंग विल जिदा कह रहे हैं कि जिंदे जी की वसीयत, ये जी ज़्यादातर जड़े आ ये मैडिकल जड़े डिसीजन बनाने वास्ते ये जी लिखी जाती है कि मान लो कोई सबजैक्ट ए हैगा, उन्हें एक लिविंग विल बनाई, उद्दे को दो तीन ऑप्शन है, उन्हें नॉमीनेट कर दिता कि जे कोई इदा का भाणा वरत जाता कि जिदे मैं अपने डिसीजन आप नहीं लै सकता, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोमा च चला गया बंदा, हूँ वो हॉस्पिटल चा, हूँ वो डिसीजन हूँ कौन बनाएगा कि यदि सर्जरी हूँ न्यूरो सर्जरी होनी है जिदे यदि जान भी जा सकती है, जी 90% चांसिस मरण दे, 10% जिंदे रहन दे, जे ही सर्जरी बिल्कुल नहीं करते फिर फॉर श्योर ये 2 महीने कट जू, 4 महीने कट जू, पर जे सर्जरी करते हैं तो फिर यदि लाइफ जे बच जाता वा तो यदि कई साल होगी लाइफ। इदा का मान लो एक सनारीयो ही बना लिया सबजैक्ट ए का। हूँ वो सबजैक्ट ए ने लिखा कि वो सारे डिसीजन जड़े आ स्पाउस जो धी पुत जां कोई फ्रेंड जड़ा वो बना सकता। फिर डॉक्टर ने वो लिविंग विल के अकॉर्डिंगली उस बंदे दे नाल संपर्क करके उहदी ओपीनियन दे नाल जिहड़े वी प्रोसीजर करना उस सबजैक्ट दे उपर। ते जे सबजैक्ट ने यह लिख दिता कि कोई भी दो या तीन जिहड़े फिजिशियन ने वो इकट्ठे हो के कलैक्टिवली जिहड़ा डिसीजन बनाउणगे वो एग्जीक्यूट कर दिता जाए, तो उहदे विच की होगा कि जिहड़े फिजिशियनस ने जे मान लो तिन्हां ने कलैक्टिवली डिसीजन बना लिया कि हाँ 90% चांस हैगे मरण दे पर 10% चांस है जीण दे, कर दिए सर्जरी, तो उस हिसाब ना उसकी बंदे की सर्जरी कर दी जाऊगी, जे लिविंग विल दे विच इस तरह लिखा होया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं, लाइफ हैपन्स, खुशियां गमियां ये सब नाल चलते रहेंगे। तो लिविंग विल जी ये बड़ा ईजी एक डॉक्यूमेंट है, तुसी इंटरनेट तो डाउनलोड करके विच इनफॉर्मेशन फिल करके किसी को नॉमिनी लिखना या किसी डॉक्टर को पूरी अथॉरिटी देनी है, ये जी है 10-15 मिनट के डॉक्यूमेंट फिल करके तुसी अपने को रख सकते हैं। उस तो नैक्सट जड़ा आ जाती है वो है जाती है विल, वसीयत, एक कल्ली वसीयत। हुण वसीयत जड़ी है उहदी लोड़ क्यों आ सानू इन्हां कंट्रियां विच। हुण इत्थे वसीयत दी लोड़ पहले नंबर ते असी समझ लैने एक सनारियो, सेम सबजैक्ट दा ही सनारियो समझ लैने जिहदी लिविंग विल दी आपां गल कीती, सबजैक्ट ए, उसे सबजैक्ट दी डैथ हो जाती है। हूँ उस सबजैक्ट की डैथ हो जाती है, कोई विल नहीं सी हैगी, वसीयत नहीं सी हैगी। उस तो बाद की होया कि हूँ परिवार दे विच जड़ी है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है सारी जायदाद, जमीन जायदाद की, वो जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां होनी है, हूँ सारी जायदाद जड़ी है कोर्ट दे प्रोसैस चली जानी है। इनू प्रोबेट प्रोसैस का नाँ दिता जाता, कोर्ट वालों प्रोबेट ऑफिसर लगेगा, उदों बाद इहदा हुण प्रोसैस कई बार कोर्ट केस, तुहानूं पता कि हर एक कंट्री दे विच तुसीं किसे दी भी लै लो एग्जाम्पल, कोर्ट जिहड़ियां ने ऑलरेडी बहुत बिहाइंड है, केस ज़्यादा हुंदे आ, जजां वकीलों की घाट होण करके केस जिहड़े आ लंबे समय के लिए चलते आ। ये उस प्रोसैस दे विच चला गया, सारी दी सारी प्रॉपर्टी जिहड़ी उहनां च टाइम दे लई फ्रीज़ हो गई, कोई भी रिसोर्स जिहड़े वो यूज़ नहीं हो सकते, भावें घर आ, जमीन आ, जायदाद आ, वो फ्रीज़ हो गया जिन्ना चिर कोर्ट डिसाइड नहीं करती भी किदा हिस्सा किन्ना ते किन्नू किवें मिलना। ये जिहड़ी देखण वाली गल आ कि जदों कोर्ट दे चला गया तो जज ने की करना, कानून दा दायरा चैक करना कि कानून दे दायरे विच सीगा, हाँ उस प्रॉपर्टी जिहड़ा सबजैक्ट ए दे क्लेम करन वाले धियां भी हैगे सीगे, पुत भी हैगे आ, एक स्पाउस भी हैगा, ते पर सबजैक्ट ए जड़ा कि वो अपने स्पाउस तो अड किसी होर नाल भी रह रहा सीगा, लिविंग रिलेशनशिप या कुछ भी सीगा।
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਵਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਟਰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੋਰਸ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਏ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਆ ਟਰੱਸਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਟੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਏ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ 50% ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਟੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਡੀਟੇਲਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 20% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ
फैमिली दे विच अपने स्पाउस दे नाल कोई झगड़ा चल रहा, कोई इशू चल रहा, तो जदों वो विल एग्जीक्यूट हो जाती है, वो जिहड़ा विल दा जिहड़ा हिस्सा वो सारा दा सारा नाल ही उन्हां दे उस डिस्प्यूट दा भी हिस्सा बन गया। हुण वो भी जिहड़ी आ उहदा जो भी डिस्प्यूट दी आउटकम होगी, वो जिहड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन आई है भावें एक जने नूं आई है, वो हुण अग्गे उहदे हिसाब नाल जिहड़ी आ डिवाइड होनी है, जो भी उहदी आउटकम होगी उहनां दे केस दी। पर जे यही लिविंग ट्रस्ट दे विच हुंदा ते जिहड़ा बंदे दा केस चल रहा वा वो अपना हिस्सा जिहड़ा उहनूं होल्ड कर सकदा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लैनी जिन्ना चिर तक मेरा इधरों केस जिहड़ा सैटल नहीं हुंदा जां कुछ नहीं हुंदा। बहुत सारे अपने देखण दे विच मेरे आया कि अपनी ला लो पंजाबी कम्यूनिटी जिहड़ी आ उहदे विच इह देखण नूं आउंदा कि टैक्स तों बचण वास्ते की करदे आ, खास करके कैनेडा वर्गे मुल्क च देखण नूं आउंदा कि टैक्स तों बचण वास्ते अपने बच्चों के नाम जिहड़ी प्रॉपर्टी जिहड़ी ट्रांसफर कर दित्ती जांदी है। तो हुंदा इह आ कि हुण बहुत सारे घरां दे विच जदों बच्चे आ बच्चों के अगों विआह होए तो अगों जे कोई उहनां विच डिस्प्यूट पै जांदा क्योंकि हुण पेरेंट्स ने कमाई की घर बनाया ट्रांसफर कर दिता टैक्स तों बचण वास्ते, पर हुण जदों अगे डिस्प्यूट बच्चों च आ गया तो वह हूँ प्रॉपर्टी जी अगे उन्होंने डिवाइड हो जानी है। तो इस तरह दिया चीज़ा टैक्स नूं बचाउण वास्ते होर बड़े हैगे आ तरीके। आने वाले मेरे दिनों दे विच कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कंट्री भावें वह कैनेडा होए यूरोप होए ऑस्ट्रेलिया उतों जोड़े मेरे फ्रेंड सर्कल दे विच इन्हां जड़े मुद्दों के उत्ते माहिर परसन ने उन्होंने मैं नाल लैके आवां भावें फोन पर या वीडियो दे विच, ते हरेक कंट्री दे विच ये जिहड़े प्रोसेस किद्दां काम करदे आ, टैक्स सेविंग किद्दां करनी आ, जां लीगल वे दे नाल असीं सारे काम किद्दां करने आ, प्रॉपर्टी हैंडलिंग हो गई भावें, तो उस कंट्री दे कानून दे दायरे च रह के ते उहनूं ही डिटेल दे विच वी समझांगे। इन्नी कु मेरी कोशिश सीगी कि एक पंछी झात जी इस मुद्दे दे उत्ते मारी जावे। जिन्नी लाइफ के इंश्योरेंस इंपोर्टेंट आ उन्नी ही एक विल भी इंपोर्टेंट आ। इन्ना कुछ स्टेट्स के हाथ नाल लिखी हुई विल जी लागू नहीं होंगी, बट तुसी अपने कंट्री का पढ़ सकते हैं थोड़ा जा डिटेल। जे तुहाडा कोई क्वेश्चन है मैं कमेंट सैक्शन च दसो, मैं तुहानू दस दाँगा। वैसे मोस्टली जिन्ने भी कंट्री आ उन्होंने सारे दे हाथ नाल सैल्फ लिखी विल, एज लॉन्ग एज वो बंदे ने अपने हाथ नाल लिखी हुए सिग्नेचर किए हुए डेट होए तो वो विल जी वो जायज़ मनी जाती है। ये एक वर्ड भी है इनू होलोग्राफिक विल या हथ लिखित या पता नहीं मैं सही बोल रहा होलोग्राफिक विल आई गैस कहा जाता। उस तो अलावा भावें जे डॉक्यूमेंट तुसी टाइप किया हो किसी ने वो फिर नोटराइज होना ज़्यादा जरूरी है। जे हथ लिखित फिर वो क्योंकि प्रूव कर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी है कि हाँ कि सेम बंदे ने अपने हाथ में लिखा राइटिंग मैच करनी जी सौखी है। जे कंप्यूटर टाइप्ड आ तो फिर वो नोटराइज जी ज़्यादा बैटर आ, विल जी कोर्ट च प्रूव करना ज़्यादा ईजी है। तो इस एक टॉपिक सीगा जड़ा बड़ा मैं लगता सीगा बड़ा इंपोर्टेंट आ, ये मैं बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंस वेखे हुए अपने हुण तक दे मेरा लाइफ एक्सपीरियंस दे विच कि विल ना होण करके ते की जड़े आउटकम फैमिलियां नूं जड़े आ वेखने पे। इस करके तुसीं भावें किसी भी एज ग्रुप दे विच हैगे आ, यंग आ मिड एज दे आ ओल्डर आ, ये वीडियो कोशिश करो कि सारयां तक पहुँचती करो। तो अपना भावें एक पेपर लिख के डेट करके साइन करके जरूर रखो कि तुहाडी विल की आ, किहड़े तुहाडे एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किवें आ ते किद्दां होनी चाहीदी है। मिलदे आ किसी होर जानकारी भरपूर वीडियो दे नाल आने वाले दिनों 'च।